सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 910। दिस इज कुणाल। तो भाई आज हम एनटीएससी वाली क्लास में है ना अपना सेकेंड लेक्चर फोर्सेस एंड एलएलएम पे करने वाले हैं। तो मैंने जैसे मैं हर क्लास में पूछता हूँ भाई आपसे कि आपके कोई डाउट्स हो है ना, आपके कोई डाउट्स हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर डिस्कस कर देता हूँ है ना। तो कल काफी बच्चों ने बोला था भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं समझ में आया था, ठीक है, लास्ट टॉपिक जो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो नहीं समझ में आया था। कोई बात नहीं भाई, है ना, नहीं समझ में आया आपने पूछा, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अगर आज भी आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आपको भाई डरना नहीं, आप जस्ट पूछो है ना। सबसे पहली बात कि आप पूछो, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा है ना, आपकी हेल्प करने के लिए ही चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती आप बिना डरे बिना कुछ सोचे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे थे हम, बट उससे पहले ये समझ लेते हैं मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम कुछ नहीं भाई, जस्ट सिंपल मैंने क्या बोला था कि आपकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वही मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर हम किसी बॉडी की बात करें, ठीक है, हम किसी भी बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये बॉडी हमारी कोई है, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, ठीक है, मास तो होगा भाई। अब ये कुछ वेलोसिटी वी से इधर चल रही है, ठीक है, अगर इधर चल रही है उसकी वेलोसिटी वी है, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए इस मास का मोमेंटम बताइए तो आप बोलोगे एम वी होगा, मास और वी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मोमेंटम आ जाएगा। और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, पी से, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, अगर मास आपका केजी में है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। काफी बार आपको यूनिट से भी बेस्ड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोमेंटम वाले, ठीक है, ऐसे ही काफी सारे रिलेट करके आपसे पूछे जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो है ना, अगर आपका सिस्टम जैसे है वैसे ही चल रहा है, कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, उस बॉडी पे या फिर उस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब आप कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, जो सिस्टम है आपका नेचुरली जो सिस्टम था, अगर पेन ऐसे जा रहा है तो वो सिंपली जा रहा है, ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल नहीं, जो रेगुलर एक्टिविटी हो रही है, नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जैसे आपने बॉल फेंका तो वो दीवार से टकराई, अब दीवार और बॉल के बीच में कोई और एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है ना, आपने बॉल फेंका वो नेचुरल फिनोमिना था कि भाई जाके दीवार में लगेगा फिर रिबाउंड होके आएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो वही बात है भाई कि आपकी, आप बोलोगे कि टकराने से पहले, हम कंजर्वेशन की बात कहाँ करते हैं भाई, आप कोलिजन की जब भी बात आएगी, कोलिजन है ना टकराव, जब भी बात आएगी आप बोलोगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमेशा वहां पे कोलिजन, कोलिजन के केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप करते हो। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है कि जो आपका मोमेंटम इनिशियली था, ठीक है, इनिशियल था मतलब बिफोर कोलिजन था, वो मोमेंटम, सेम मोमेंटम आपका सिस्टम हो या फिर बॉडी हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप क्या लेते हो, क्या आपको गिवन है, वो इनिशियल जो था वही फाइनल भी होगा, यही आपका मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने छोटी सी बात की थी कल, वो हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, तो आज हम समझ लेते हैं कि क्या कैसे होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो पहला केस, हम पहला केस मान लेते हैं, पहला केस क्या है भाई कि हमारी बॉडी एक चल रही थी, ये हमारी बॉडी ए थी, ठीक है, इधर जा रही थी वी ए से, और एक बॉडी ये हमारी थी इधर जा रही थी वी बी से, इसका मास था एम बी, ठीक है, इसका मास था एम ए, है ना। अब आफ्टर कोलिजन ये क्या हो गई, इधर जाने लगी वी वन से, ए वाली बॉडी आपकी, ठीक है, और ये वाली बॉडी जाने लगी, ये रेस्ट में हो गई, मान लेते हैं कि ये वाली आपकी रेस्ट में हो गई जीरो, और ये हो गई वी टू, है ना, ये हो गई आपकी, मान लेते हैं जस्ट केस समझते हैं, ठीक है, ये जीरो नहीं है आपका, ये वी टू से इधर जाने लगी, आपका एम बी ये गिवन है, ठीक है। ऐसे केसेस आपको काफी सारे मिल सकते हैं जिसमें ऐसा बोला जाए, ठीक है, तब आपको करना क्या है, अब यहां पे बात आ रही है भाई कि जब हमारी वेलोसिटी वी ए आपकी वी बी से ज्यादा होगी, ठीक है,
मान लो आप भी, आपका दोस्त भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, उससे टकराओगे कब भाई, जब आप उससे तेज चलोगे, है ना, चल तो दोनों रहे हो बट आप जब उससे तेज चलोगे तभी उससे टकराओगे, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पे बोलोगे कि अगर कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन हो रहा है तो इट मींस आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लगना ही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी आपको गिवन है, उस वाले मास की भी कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, तो आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका भैया, ये मास va वेलोसिटी से चल रहा है, तो ma va हम कभी भी लिखते हैं कोलिजन के केस में तो पूरे सिस्टम का लेते हैं, ठीक है, आपको पूरे सिस्टम, तो इनिशियल केस तो ये दोनों आते हैं ना, इनिशियल केस में जब दोनों चल रहे हैं तो आप बोलोगे एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब एक बात का और ख्याल रखना है, ठीक है, एक बात का और, हो सकता है कि इस केस में आपको ये वाला इधर गिवन है, अगले केस में हो सकता है इधर गिवन हो कि ये वाली बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब मोमेंटम, मैंने बोला जिधर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम एक्ट करता है, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई थी कि जिधर भैया हमारी वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी उधर ही हमारी मोमेंटम भी एक्ट कर रही होगी, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है, मोमेंटम आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो आप बोलोगे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो आप बोल रहे हो कि ये वाली रेस्ट में हो जा रही है, ठीक है, रेस्ट में हो जा रही है, ठीक है, आप बोलोगे एम ए इंटू जीरो क्योंकि ये रेस्ट में हो गई और उसकी स्पीड कुछ बढ़ गई होगी या फिर जो भी है ना, एम बी वी बी। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है तो आपको बोला जा सकता है कि ये इससे तेज चली, ठीक है, अपनी टोटल एनर्जी उसको दे दिया और खुद रेस्ट में हो गई, तो आप बताइए कि ये किस स्पीड से अब चलने वाला है, ठीक है, किस स्पीड से चलने वाला है आपका मास जो बी है, तो आप क्या बोलोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दोगे सिंपली, आप बोलोगे एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम बी वी बी प्लस ऑफ जीरो, ठीक है, तो आप बोल दोगे कि जो वी बी होगा हमारा वो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी अपॉन एम बी आ जाएगा, ठीक है, मतलब अगर आपका ए वाली बॉडी रेस्ट में आ जाती है और बी वाली बॉडी वी बी किसी v2 स्पीड से चलने लगती है, ठीक है, ये v2 स्पीड वहां पे हमने लिया था, तो v2 से तो आप v2 जरूर निकाल सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। अब दूसरा केस, जैसे आपने बॉम्ब देखा होगा, है ना, बॉम्ब देखा है वो एक्सप्लोड करता है, कई मासेस में एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है, तो आपसे वहां पे भी पूछा जा सकता है कि स्पीड बताइए, तो उस केस में भी बात कर लेते हैं, जैसे कोई बॉम्ब मान लो आपने लिया, ठीक है, आपने कोई बॉम्ब लिया, इसका मास आपको गिवन है कैपिटल एम, ठीक है, मास मान लो ये है, इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं, इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, क्या भैया ये आपका बॉम्ब है ना, अब ये क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा, ठीक है, एक्सप्लोड करेगा, हो सकता है दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, हम मान रहे हैं इनिशियल केस की दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, दो पार्ट में, आप बोलोगे एक पार्ट आपका इधर जाने लगा वी ए वेलोसिटी से और एक बड़ा वाला पार्ट इधर जाने लगा वी बी वेलोसिटी से, ठीक है, मास एम बी मान लो, ये मास एम ए, ठीक है, एक्सप्लोजन का केस है जब कोई एक सिंगल बॉम्ब फटके दो बॉडी में आपका हो जा रहा है, ठीक है, दो बॉडी में हो जा रहा है, तो एक बॉडी आपकी इधर वी बी से जा रही है, एक बॉडी आपकी इधर वी ए से जा रही है ना, तब आप बोल सकते हो अगर आपसे पूछ दिया जाए उस केस में कि भाई यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, आपसे फिर से वही बात पूछी जाए कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा, तो बताओ भाई होगा या नहीं होगा, सारे लोग चैट सेक्शन में सभी लोग बताओ, है ना, मैं देख रहा हूं कि आपका बॉडी में यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो आप बोलोगे बिल्कुल होने वाला है, क्यों होने वाला है भाई, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सबसे मोमेंटम कंजर्वेशन की जो बेसिक बात है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड है ना, एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाइड ही नहीं है, वो क्या है, वो जीरो है, ठीक है, उसकी वैल्यू आप जीरो है, तो आप बोल सकते हो बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। आप इनिशियल मोमेंटम की बात करो तो बॉडी में कोई मोशन नहीं था, वो जीरो थी, फाइनल मोमेंटम की बात करो तो आप बोलोगे इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है ना, तो एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी। अब ये कैसे आया, अगर आप भाई थोड़े से तेज हो ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि माइनस क्यों आया,
है ना, माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला क्या भाई, मोमेंटम जो है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, समझ में आई बात, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, वो आपका स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो आप बोलोगे कि अगर दोनों हमारा मोमेंटम कंजर्व हो गया तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ होना चाहिए, इट मीन्स पी एफ इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी, ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। अब आप देखो कैसे समझ सकते हो यहाँ पे इस, अब ये मिला जो है आपको, ये चीजें समझने वाली हैं। जैसे अगर मास ऑफ वी बी है ना, मास ऑफ बी अगर बड़ा होगा, मानते हैं एम बी आपका बड़ा है एम ए से, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो कि वी ए जो बड़ा होगा वो वी बी से होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, ये बात कितने लोगों को समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो पूछो भाई, ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो पूछो। आप समझ सकते हो क्यों छोटे मास का हमेशा वेलोसिटी ज्यादा होती है ना। आप देखते हो कभी भी सेम मास को अगर सेम फोर्स से फेंक रहे हो आप, ठीक है, दो मासेस को, एक मास आपने ज्यादा रख लिया एक कम, तो कम वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। आप यहाँ पे देखो एक्सप्लोजन में, तो आप बोल सकते हो छोटे वाले मास की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्यों, मान लेते हैं हम एम ए को रिप्लेस करते हैं, एम ए को रिप्लेस करते हैं थ्री से, एम बी को रिप्लेस करते हैं फाइव से, ठीक है, समझ में आई बात। और अब देखो एम ए आपका हो गया थ्री इंटू वी ए इज इक्वल टू एम बी, एम बी क्या था आपका फाइव, फाइव इंटू वी बी है ना। ये इक्वेशन मान लो मास हमें इनिशियल ये गिवन है, ठीक है, कि मास आपका जो बी वाला है वो फाइव है और थ्री वाला मास ए वाला 3 kg, ठीक है, ये 5 kg ये 3 kg। अब मान लेते हैं टोटल इसको हम 15 करते हैं अगर, ठीक है, टोटल 15, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर टोटल आपको 15 करना, मतलब दोनों की क्वांटिटी ये भी 15 आए ये भी, तो आप वी ए की जगह क्या रखोगे 5 और वी बी की जगह 3। तो अगर मास आपका ज्यादा यहां पे गिवन है तो आपको वेलोसिटी ज्यादा यहां मिल रही है ना भाई, यहां पे ज्यादा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी जो छोटे वाले मास की होती है एक्सप्लोजन में वो ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के देखते हैं हम, तो वहां से चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब वही बात, अब इसका इसका देखो आप इसका तरीका कैसे, एक आप गन देखे हो है ना, गन देखा है सबने भाई, मान लेते हैं ये कुछ गन है हमारा, ठीक है, गन है। अब यहां से जब बुलेट निकलती है ना, बुलेट निकलती है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी वी बुलेट की, और मास की वेलोसिटी ये भी है ना। तो जब आप देखोगे जब ये फायर करते हो आप गन, तो ये पीछे की तरफ थोड़ा सा पीछे आती है ना, पीछे की तरफ आती है, तो कुछ उसकी वेलोसिटी गन पे भी लगती होगी, विच इज वीजी, और मास ऑफ गन क्या है एम जी। आप बोलोगे इनिशियली सब कुछ जीरो था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था हमारा, वो जीरो। अगर इस केस की बात कर रहे हैं, आप गन फायर करते हो तो पिक्चर में आपने देखा होगा हल्का सा पीछे की तरफ फोर्स लगता है ना, आपसे बोला जाता है स्ट्रांगली पकड़ो, कभी भी आप गन चलाते हो तो स्ट्रांगली पकड़ो, ठीक है, वो पीछे की तरफ फोर्स एग्जर्ट करती है, आपकी बुलेट जब आगे जाती है तो पीछे की तरफ, तो आप बोलते हो यहां पर भी मोमेंटम कंजर्व होगा, पी एफ इज इक्वल टू आप बोल सकते हो एम ए एम बी वी बी माइनस एम जी वी जी, ठीक है। तो आप बोलते हो भाई बुलेट की वेलोसिटी क्यों ज्यादा होती है, अब जीरो करके देखो तो एम बी इंटू वी बी इज इक्वल टू एम जी इंटू वी जी, ठीक है, आपको गन की कोई भी वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि भाई मास ऑफ गन ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपकी जो वेलोसिटी ऑफ गन होती है ना वो कम हो जाती है। जैसे पिछले केस में जिस केस में मास ज्यादा था उसमें वेलोसिटी कम मिली थी आपको, वही सेम केस कि आपकी मास ऑफ गन जो है वो मास ऑफ बुलेट से ज्यादा होती है, इसलिए आपकी वेलोसिटी गन पे नहीं इंपैक्ट होता है इतना, बहुत छोटा बहुत आप वैसे पकड़े भी होते हो टाइटली, बट अगर आप फ्रीली छोड़ दोगे तो इसीलिए बहुत ही कम वेलोसिटी मिलती है ना। सेम फिनोमिना यहाँ पे भी होता है कि कभी भी वो एग्जर्ट होता है ना, कोलिजन वाला केस है, आप जैसे फायर करते हो तो कोलाइड करके आगे जाती है ना आपकी बुलेट, ठीक है। और एक केस आपका बनता है भाई कि हमने गन फायर किया, ठीक है,
हमने गन से फायर किया बुलेट, ये कोई बॉडी थी हमारी, ठीक है, यहां से हमने एक बुलेट फायर किया। अब ये बुलेट इसमें गई और इसी में रह गई अंदर, ठीक है, इसमें जाने के बाद रह गई और दोनों बुलेट अब किसी एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से, मान लो कभी v1 से आ रही थी ये इधर, ठीक है, मास बुलेट का mb था, यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक mb है, ठीक है, ये ma मान लेते हैं बुलेट का। तो ये बोल रहे हैं कि आप जब गन फायर कर रहे हो, ठीक है, किसी बॉडी पे, कोई एक बॉडी आपने रखा है, ब्लॉक रखा है, आपने बुलेट फायर की, वो बुलेट उसमें इंसर्ट हो गई, ठीक है, उसी ब्लॉक में जाके फंस गई और दोनों फिर किसी एक वेलोसिटी से चलने लगे और आपसे बोला जाए कि इसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बोला जाए कि ये गन से फायर हुई है, ठीक है, ये गन से फायर हुई है भाई, ठीक है, गन से फायर हुई और ये ब्लॉक में जाके इंसर्ट हो गई, है ना, ब्लॉक में इंसर्ट हो गई और दोनों ब्लॉक पहले क्या था हमारा, रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, बट जब टकराव हुआ इसका बुलेट से तब वो दोनों सिस्टम आपका वी वेलोसिटी से चलने लगे। तो उस सिस्टम की वेलोसिटी बताइए। यहाँ पे देखो मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे ही काम आता है कोलिजन वाले केसेस में, ऐसा पूछा जा चुका है आपसे, कई बार पूछा जा चुका है ना, तो आप बताओ भाई, सारे लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कमेंट कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम बताना है बुलेट प्लस ब्लॉक का, है ना, बुलेट प्लस ब्लॉक का एक साथ वेलोसिटी बतानी है आपको, ठीक है, चलो अटेम्प्ट करो सभी लोग भाई कि आप वेलोसिटी बताओ इसकी। तो यहां पे भी कुछ नहीं करना है, इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई आपका, अगर बॉडी आपका ये वाला वी वेलोसिटी से चल रही थी तो आप बोलोगे एम ए इंटू वी वन, अब ये वाली तो रेस्ट पे थी बॉडी तो उसके लिए जीरो, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, फाइनल मोमेंटम दोनों मासेस आपके ऐड हो चुके हैं, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो आप बोलोगे एम ए प्लस एम बी इंटू वी, मास आपका दोनों का जुड़ चुका है और दोनों एक एक सिस्टम की तरफ बिहेव कर रहे हैं ना, आप बोलोगे दोनों एक सिस्टम के लिए। फाइनली देखोगे तो ये कुछ ऐसे जा रहे हैं और इसका मास हो चुका है अब एम ए प्लस एम बी, है ना, ऐसा दिखेगा आपको कि बुलेट तो उसमें इंसर्ट हो गई, नेट मास आपका ये हो गया। अब आप बोलोगे कि आपकी जो वेलोसिटी आएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, तो आप बोलोगे एम ए वी वन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू वी एंड वी इज एम ए इंटू वी वन अपॉन एम ए प्लस एम बी। ये बात समझ में आई सबको कि अगर आपसे कॉमन वेलोसिटी पूछी जाए इस केस में, तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई हमारा सिस्टम पहले क्या था, हमने बुलेट फायर किया, अब वो ब्लॉक में जाके इंसर्ट हो गई, उसी में फंस गई, वो निकल नहीं पाई और आपका बुलेट प्लस ब्लॉक किसी एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगा, ठीक है, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे, देन आप वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई आपकी, एम ए वी वन अपॉन एम ए प्लस एम बी। वी वन क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना, यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करता है, इसलिए डायरेक्शन हमने ये वाली क्या मान रखी भाई, पॉजिटिव, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास आगे एक टॉपिक आता है इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स क्या होता है भाई, सारे लोग बताइए इम्पल्स क्या होता है। जैसे आप कोई भी फोर्स, ठीक है, कोई भी फोर्स, इम्पल्स क्या होता है, कोई भी फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए, ठीक है, किसी भी सरफेस पे लगाते हैं, किसी भी सरफेस पे, किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे, है ना, कोई फोर्स आप लगाते हो बहुत ही छोटे टाइम के लिए, तो आप क्या बोलते हो, वो क्या है, इम्पल्स। वहां पे जो आपका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम जो देता है वो इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है भाई आपका, इफ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम गिव्स इम्पल्स। जैसे आप देखो जब बॉक्सर फाइट करता है तो खूब तेज से बहुत कम टाइम के लिए मारता है ना भाई, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके चेहरे पे क्या डेवलप हुआ, इम्पल्स आता है, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम आप कर दोगे जितना लार्ज, ये क्या होता है आपका, वेरी लार्ज होता है और ये वेरी स्मॉल होता है, ठीक है,
जो आपका टाइम होता है वेरी स्मॉल होता है और आपका जो फोर्स होता है वो वेरी लार्ज होता है। ठीक है, चलो ये बात सबको समझ में आ गई। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? केजी मीटर पर सेकेंड। अब निकालते कैसे हैं आप? फोर्स क्या बोलते हो? एम ए, है ना, यूनिट आप हमेशा निकाला करो, उससे चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होती हैं। फोर्स आप एम ए लिखते हो, मास आपका केजी हो गया और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और टाइम इंटू सेकेंड। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? केजी मीटर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? अब हमने जब पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ जब हमने पढ़ा था तो एक चीज हमने क्या देखी थी भाई कि आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है? फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन टाइम। अगर वहां से हम मान लेते हैं कि टाइम बहुत ही छोटा है, ठीक है, ठीक है, टाइम बहुत छोटा है, तो आप फोर्स इनटू अगर चेंज इन टाइम करते हो तो ये क्या मिलता है आपका? चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू इम्पल्स। क्या आप यहां से रिलेट कर पा रहे हो भाई कि आपका जो फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही छोटा टाइम है, फोर्स अगर दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो आप चेंज इन मोमेंटम पाते हो। कहां से? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ने क्या बोला था कि जो फोर्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ कि इम्पल्स क्या है भाई? आपका चेंज इन मोमेंटम ही है बेसिकली। ठीक है, जो मोमेंटम में नेट चेंज होगा वही आपका इम्पल्स हो जाता है। ठीक है, यहां से हमने रिलेट किया कि जो आपका मोमेंटम चेंज होता है पर यूनिट टाइम वो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना। और यहां हम क्या पाए कि आपका अगर हमने देखा कि फोर्स इंटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये फोर्स इंटू डेल्टा टी है, ठीक है, विच इज पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वही क्या देता है आपको? इम्पल्स देता है। ठीक है, बात समझ में आई? छोटी सी बात है, या तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको कोई थप्पड़ भी मारता है, ठीक है, खूब तेज से, तो बहुत ही तगड़ा थप्पड़ होता है भाई वो, है ना, चोट आपको लगती है तो काफी लार्ज फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगता है, वही क्या होता है आपका? इम्पल्स। ठीक है, जो कभी लार्ज फोर्स अगर आपके लिए काफी छोटे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए एक्ट करे तो आप बोलते हो वही आपका क्या होता है? इम्पल्स होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ही कुछ हमारे सर ने, न्यूटन सर ने, है ना, एक और लॉ दिया था उन्होंने, बेसिकली तीन लॉ दिए थे। दो तो आपको पता है कि भाई पहला क्या था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगता, या फिर वो बॉडी अगर मोशन में है, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकता नहीं है। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है आपका वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ी थी। अब तीसरा क्या था? Whenever a body exert a force, ठीक है, कोई body अगर कोई exert करता है force on another body, ठीक है, कोई body किसी दूसरे body पे कोई भी force लगाता है तो वो second body भी उस body पे same force लगाती है जितना आप किसी एक body पे लगाते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर इस board पे लिख रहा हूँ तो मान लो इस pen की वजह से कुछ इस पे फोर्स लग रहा होगा तो वो बोर्ड भी पेन पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल है। आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपके कारण ग्राउंड पे क्या लग रहा है? एमजी लग रहा है। ठीक है, आप एमजी की तरह, आपको अर्थ खींच रही है एमजी से, तो आपके ऊपर भी ग्राउंड क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगाता है विच इज नॉर्मल। ठीक है, अगर आप इक्वल करते हो तो वो नॉर्मल आपका किसके बराबर आता है? एमजी के। मतलब आपने अगर ग्राउंड पे एमजी फोर्स लगाया तो ग्राउंड ने भी आपके ऊपर एमजी फोर्स लगाया था। ठीक है, बात समझ में आई? यही इनका लॉ था एक्शन रिएक्शन, कि जहां भी एक्शन होगा, ठीक है, वहां रिएक्शन जरूर होगा। आप जैसे बैलून की ही बात करते हो, ठीक है, बैलून की ही बात करते हो भाई, कि आप जब इसमें हवा भर के जब इसको छोड़ते हो तो हवा इधर निकलती है, एक्शन। ठीक है, बट बैलून आपका पीछे की तरफ जाता है ना, इधर की तरफ जाता है। आप देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो आज कर लेना एक्सपेरिमेंट, कि आप जब ये काम करते हो, है ना, ये काम करते हो कि आप बैलून भर के हवा जब छोड़ते हो तो हवा तो इधर निकलती है बट बैलून क्यों पीछे भागता है? ठीक है, वहां पे भी एक्शन रिएक्शन ही होता है। ठीक है,
यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन होता है भाई, कि आप जब हवा निकालते हो तो वो एक्शन रिएक्शन, वो जितना फोर्स इस पे लगता है वही फोर्स एग्जर्ट होता है उसके पीछे भी, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई हमारी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की, कि ये हर जगह वैलिड है भाई, यूनिवर्सल। जैसे हम लोग अपना ग्राउंड पे खड़े होते हैं, जैसे ये देख सकते हो बॉडी, इस बॉडी पे कोई एफ फोर्स लगा रहा है अगर, तो ये बॉडी, ये ब्लॉक भी, ठीक है, ये ब्लॉक भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, एफ फोर्स, इस हाथ पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ही लगता है, जो एक्शन रिएक्शन है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ही होता है। अब जैसे आप बॉडी मान लेते हैं, ये कोई खड़ा है, ठीक है, आप ही लोग में से कोई खड़ा है, तो ये सरफेस पे क्या लगता है, एम जी। ये आप सारे लोग जानते हो भाई, ग्रेविटी फोर्स, मोशन अंडर ग्रेविटी आपने पढ़ा है ना, कि अर्थ आपके ऊपर क्या करती है, ग्रेविटी लगाती है, ठीक है। अर्थ आपके ऊपर क्या करती है भाई, ग्रेविटी फोर्स लगाती है। तो मान लेते हैं आपके ऊपर ये ग्रेविटी लग रहा था, तो यही ग्रेविटी सरफेस पे भी लगा। अब सरफेस ने क्या किया, आपके ऊपर एक फोर्स लगाया, विच इज नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स हम बोलते हैं। आप देखोगे अगर दोनों को बैलेंस करते हो ना, तो नॉर्मल आपका क्या आता है, वो एम जी के बराबर ही आता है, ठीक है। नॉर्मल जो आता है आपका, वो एम जी के बराबर ही आता है, मतलब आपने जितना फोर्स सरफेस पे लगाया उतना ही फोर्स आपका सरफेस ने आपके ऊपर लगाया था, ठीक है, इसलिए आप वहां पे टिके थे, है ना, आप वहां पे टिके हुए थे। चलो ये बात सबको समझ में आ गई। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करोगे, कमेंट बॉक्स में आप बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताते रहो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या आपका, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले जो जो चीजें आपको गिवन है वो आप लिखते जाओ। मास आपको गिवन है 150 ग्राम, ठीक है, और इसके बाद एक्सेलरेशन उसका क्या गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हेन हिट अ फोर्स विच इज विच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड, ठीक है, व्हेन हिट बाय अ फोर्स। चलो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, 150 ग्राम की बॉडी है भाई, स्टार्ट्स मूविंग विथ एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड, व्हेन हिट बाय अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड, द इम्पल्सिव फोर्सेज। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है जब उस पर फोर्स लगाया जा रहा है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, तो आपसे क्या बोला जा रहा है, इम्पल्सिव फोर्स बताइए, जो इम्पल्स इस पर लगा। तो आप बताओ कि बॉडी हमारी जो मूव करती है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, उसके पास एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वो किसके कारण आता है, नेट फोर्स के कारण आता है। आपने जो उस पर फोर्स लगाया वो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है आपका। तो आप क्या बोल सकते हो, एफ नेट जो फोर्स इस पर लगा होगा वो क्या होगा, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने पढ़ा था, सेकेंड लॉ था न्यूटन का, कि नेट फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बॉडी को चलाने के लिए, या फिर आप एफ अप्लाइड भी बोलते हो कभी कभी, ठीक है, कि आपने जो एफ अप्लाई किया था वही नेट होता है, ठीक है। अगर आप सिंगल फोर्स कभी भी लगाते हो किसी बॉडी पे, तो जो सिंगल फोर्स होता है वो नेट फोर्स होता है, वही अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है। अप्लाइड क्या होता है, जो हम लगाते हैं। तो आप यहाँ पे फोर्स क्या बोल सकते हो, कि फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास क्या है आपका, 150 इंटू 10^-3, क्यों भाई, ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट किया, केजी में, ठीक है, तो इंटू 10^-3 आप करोगे, ये जरूर करना, नहीं तो आप पक्का गलत करने वाले हो, ठीक है। इसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट आपकी सही है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक कट दो कट, ठीक है, इसकी वैल्यू आने वाली है आपकी 3, ठीक है। फोर्स कितना आ गया, फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, है ना, आपकी फोर्स क्या आ गई, 3 न्यूटन। अब आपसे इम्पल्सिव फोर्स पूछा गया है, इम्पल्सिव फोर्स भाई आप बोलोगे फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, है ना, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, तो फोर्स आपका 3 न्यूटन और 0.1 सेकेंड के लिए लगा, तो 0.3 न्यूटन सेकेंड आया आपका आंसर, किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा आपको।
अगर नहीं समझ में आया आप पूछ लो, ठीक है, फिर से पूछ लो कि ये कैसे हुआ। देखो इस बॉडी पे फोर्स लगा, ठीक है, तब उसकी एक्सेलरेशन बॉडी के निकल के आई, तो नेट फोर्स के कारण ही एक्सेलरेशन आती है, ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर होगी। तो फोर्स हमने निकाल लिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हमने फोर्स लगाया उसी के कारण एक्सेलरेशन आई, तो फोर्स क्या था हमारा, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स निकल गया वहां से। अब बोला गया आपको टाइम इंटरवल की, कितने टाइम इंटरवल के लिए लगा, तो बहुत ही छोटे 0.1 सेकंड के लिए। तो आप बोल दोगे फोर्स इंटू 0.1 कर दोगे तो आपका इंपल्सिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला भी आपका क्वेश्चन है मोमेंटम बेस्ड, ठीक है, मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन भाई। चलो मैं देख रहा हूं सबके कमेंट कि आप लोग कर रहे हो या नहीं, है ना, करते रहो, जब तक आप खुद नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे भाई, इसलिए आप ट्राई करो, अप्रोच बनाओ अपना, सीखो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है देन आप सॉल्यूशंस देखा करो, अदरवाइज आपको सॉल्यूशंस देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं हम, अनलोडेड ट्रांसपोर्ट ट्रक विथ अ मास ऑफ 38,000 केजी इज ट्रेवलिंग एट 1.20 मीटर पर सेकेंड, what will be the velocity of 1200 kg car if it has same momentum, ठीक है, आपको कोई ट्रक गिवेन है, ठीक है, ये आपको कोई एक ट्रक गिवेन है भाई, इसका मास आपको गिवेन है 38,000 kg और ये किसी वेलोसिटी 1.20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब आपको बोला गया है कोई एक कार है, ठीक है, कोई एक कार है, इसका मास कितना गिवन है आपको 1200 kg, ठीक है, और ये बोला जा रहा है किस वेलोसिटी से जाएगी कि इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर हो। तो पहले मोमेंटम ऑफ ट्रक पीटी की बात करते हैं, ये क्या होगा, मास क्या है भाई 38,000 इंटू वेलोसिटी 1.2, ये हो गई आपकी ट्रक की मोमेंटम। अब अगर कार की मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम ऑफ कार पीसी, तो 1200 kg, ठीक है, इनटू वी ऑफ कार, ठीक है, वी ऑफ कार वीसी। तो आप बोल रहे हो क्वेश्चन में सिंपल बोला गया आपसे और कुछ नहीं बोला गया है कि सेम मोमेंटम, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, दोनों को इक्वल कर देना है, बस यही करना है और कुछ नहीं, कि आप दोनों के मोमेंटम को जस्ट इक्वल कर दोगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मोमेंटम में देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपसे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल। तो आप मोमेंटम जानते हो भाई, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास आपको ट्रक का गिवन था, वेलोसिटी गिवन थी। अब कार के केस में भी मास गिवन था बट आपसे वेलोसिटी ही पूछी गई थी। अब कंडीशन क्या दिया गया था कि दोनों का मोमेंटम सेम हो, तब आप बोल सकते हो कि अगर दोनों को सेम किया जाए तो ये क्या होगा, 38,000 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 1200 इंटू वीसी, कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये आ जाएगा 0.1, है ना, 0.1 और 1200 आपका कट गया, तो आपका वीसी इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, है ना, कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है, 1202 हमने जीरो यहां से कट कर दिए और एक इस पॉइंट के लिए कट कर दिया, तो ये भी 12, ये भी 12, दोनों 11, अब 38 आपका सेफ आ गया। तो कार की जो वेलोसिटी अगर 38 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाला ऑप्शन होती है अगर, तब आप बोल सकते हो कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, और किसी केस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका मोमेंटम दोनों का सेम उसी केस में होगा जब वेलोसिटी आपकी 38 मीटर पर सेकेंड कार की होगी, ठीक है। चलो आप ऐसे क्वेश्चंस में और इस पे एक बात और ट्राई करके देख सकते हो कि अगर हम इसकी वेलोसिटी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 2.4 रख दे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 2.4 रख दे, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताओ सारे लोग, है ना, कि अगर ट्रक की वेलोसिटी हम दे दें कि 2.4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकेंड है, तब ट्रक की वेलोसिटी क्या होने वाली है, ठीक है। चलो ये अटेम्प्ट करना, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, सिंपल है, ठीक है ना, कुछ इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस सिंपल सिंपल बात है, कुछ ज्यादा नहीं है। चलो अब एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं भाई हम लोग, ये भी सिंपल है भाई, कि अ पार्टिकल ऑफ मास
एम इज एग्जीक्यूटिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आपको देखो दो चीजें मिक्स करके देने लगा, कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। पहले तो आप डायग्राम बना लिया करो, थोड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आपको रेडियस आर गिवन है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है, लीनियर मोमेंटम इज पी, ठीक है, एंड द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। अब देखो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता था, क्या आपको याद है? अगर याद है भाई तो आप बताओ, ठीक है। आपको ऐसे याद तो होगा कि आप जो सेंट्रिपिटल फोर्स पढ़ते थे वो क्या था भाई, हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, यही था। वी स्क्वायर बाई क्या था, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन था, और मास से अगर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करते हो वो फोर्स आ जाता है, ठीक है। अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो वो भी यही होता है। सेंट्रिपिटल आपका क्या होता है, ये इनवर्ड होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, वो बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो आपसे बोला क्या गया है कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज पी, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम पी। तो आप पी जानते हो, पी हमारा क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है, ठीक है, यही होता है भाई। तो आप देखो रिप्लेस कैसे कर सकते हो, हमें एम वी अगर कहीं पे सेफ मिल जाए हम उसकी जगह पी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो अप्रोच आप भी लगाते रहो, है ना, कि हमें उसकी जगह रिप्लेस करना है। यहाँ पे एम वी तो मिला है ना, एम वी तो मिला, बट एक वी एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, वो क्या मिल रहा है, एम इंटू वी, ये वाला टर्म तो हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या मिल रहा है हमें, वी एक सिंगल मिल जा रहा है, आर नीचे मिल रहा है, तो हम बोले कि अगर एक और एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये वाला हमें मिल गया, दो दो के पेयर मिल गए, बट उसको मेजर करने के लिए हमें एक नीचे एम भी मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखो कोई बॉडी है पी, ठीक है, इससे अगर टू से मल्टीप्लाई करें और टू से डिवाइड कर दें तो ये तो वैल्यू वन हो गई, कोई मतलब नहीं। वही सेम काम यहाँ पे किया हमने, एम से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एम से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली भी क्वांटिटी क्या हो गई पी, और ये वाली भी क्वांटिटी क्या हो गई पी, समझ में आई बात, ये वाली भी क्वांटिटी क्या हो गई पी, और ये वाली भी पी हो गई। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो एफ सी आपका सेंट्रिपिटल फोर्स है वो पी स्क्वायर बाई आर एम, यही होगी, या फिर पी स्क्वायर बाई एम आर, फोर्थ वन इज करेक्ट, है ना। जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन था क्या वही करेक्ट ऑप्शन था, सबको समझ में आई बात, ये वाली भी, कि जो आपकी पी स्क्वायर बाई आर एम क्या था, आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर आपका पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अभी आप एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ते हो, आपने जैसे उसमें पढ़ा था ना एम ओमेगा आर, ठीक है, तो वी की जगह क्या हम पढ़ते थे, वी इज इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा आर, है ना। ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर मोमेंटम की आपसे कहीं पे भी बात की जाए तो आप क्या बोलोगे, एम ओमेगा आर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की अगर बात की जाए आपसे तो आप बोलोगे एम ओमेगा आर, जो होता है वही आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, है ना, जिसके आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं कुछ केसेस आपसे पूछूंगा जिसके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलो इसका भी अटेम्प्ट करो सारे लोग। अप्रोच देखो सही होना चाहिए आपका, चीजें कुछ भी ज्यादा नहीं है इसमें, है ना। इसमें थोड़ा सा बस आपसे पूछा गया है, दो कॉन्सेप्ट यूज करके, आपसे छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करके एक नई चीज पूछी गई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। पढ़े सारी चीजें हम आप, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 100 meter per second हिट्स अ वॉल एंड रीबाउंड विथ सेम स्पीड, ठीक है। एक कोई बॉडी ऑफ मास है, ठीक है, मास वो किसी बॉडी से हिट कर रही है, कोलाइड कर रही है, ठीक है, वॉल से, फिर वो रिबाउंड होकर सेम स्पीड से वापस जा रही है, ठीक है, जिस स्पीड से आई थी। मान लो ये हमारी वॉल है, ये कोई बॉडी है, ये वी वेलोसिटी से आई, कोलाइड करने के बाद फिर से ये वी वेलोसिटी से ही वापस चली गई, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको, क्वेश्चन इतना आपसे बोल रहा है। इफ कॉन्टेक्ट टाइम इज, इस पे जो कॉन्टेक्ट टाइम था वो 1/50 second था, ठीक है, देन फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल इज,
तो आप पूछ रहा है आपसे क्या भाई कि फोर्स अप्लाइड ऑन वॉल, जो फोर्स अप्लाई हुआ होगा इस पे वो कितना होगा। ठीक है, क्या सिंपल क्वेश्चन है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद आंसर करना, फिर आप देखना सॉल्यूशन, ठीक है, फिर आप सॉल्यूशंस देखना, पहले आप अटेम्प्ट करना, है ना। एटलीस्ट आप सोचो कि कितनी वैरायटी ऑफ थिंग्स इसमें लग सकती है, कितनी वैरायटी ऑफ मैं सोच सकता हूं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट आपको चीजें समझनी होंगी, है ना। आप जैसे देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए बोला गया है कि इम्पैक्ट हो रहा है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, कॉन्टेक्ट 1/50 सेकेंड, है ना, एक सेकेंड भी नहीं भाई, 1/50, समझ रहे हो, 1/50 सेकेंड के लिए ही अप्लाई हो रहा। आप बोलोगे यहाँ पे इम्पल्स जरूर होगा, ठीक है, इम्पल्स जरूर होगा। अब इम्पल्स आपने क्या पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है, और क्या होता है भाई, फोर्स इंटू शॉर्ट टाइम। बस इसका यूज करके आपको, इन्हीं दोनों का यूज करके आपको फोर्स निकल जाएगा आपका, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपका काम है ये कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इस केस में, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ये वाला केस क्या होगा, पी आई, जब ये वापस जा रहा होगा ये क्या होगा, पी आई पी एफ, तो आप पी आई माइनस पी एफ करो, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालो। इसके बाद अब f इंटू शॉर्ट टाइम रख दोगे 1/50, वहां आपका f जरूर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आपका आंसर आया, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया। उसके बाद फिर कल वाली क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया है क्या चीजें आपको करनी है। अगर देखो शॉर्ट टाइम दिया तो एक आइडिया जरूर ले सकते हो कि इंपल्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, है ना। अब इंपल्स से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा था कि ये चेंज इन मोमेंटम ही होता है बेसिकली, इंपल्सिव फोर्स जो होता है आपका, और कोई फोर्स अगर शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं तो वो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इंपल्स, है ना। दो ही चीजें थी, हमने दोनों चीजें पढ़ ली। अब दोनों को रिलेट करके आप क्या बोलोगे कि हम फोर्स वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इतनी स्ट्रांग हो आप, ठीक है। चलो, तो किसी के कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ भाई, अगर लाइव नहीं चीजें भले, लेकिन आप कमेंट अगर कर रहे हो मैं देखता रहता हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपकी चीजें जरूर क्लियर कर दी जाए, है ना। और बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस लाइव होंगी, तो वहां पे ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, ज्यादा फील आएगा, आप कुछ भी पूछोगे आप तुरंत रिप्लाई पाओगे, तो वहां पे जो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें, आज वाली तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा था भी नहीं, बेसिक जो भी चीजें थी सारी आसान थी, है ना। आज वाली चीजें अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से आप पूछो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया ये वाली चीजें मुझे नहीं समझ में आई, आज की सारी चीजें बेसिक थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, है ना, दो तीन प्रॉब्लम्स हमने किया। अब आप क्या करो, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।